बदले तो दिए बुझ जाते हैं, हवाएं बदले तो दिए बुझ जाते हैं, अगर युवा ठान ले तो देश की तकदीर बदल जाते हैं, देश की तकदीर बदल जाते हैं। मैं उपस्थित सदन पर नमन करते हुए स्वामी विवेकानंद के चरणों में स्पर्श करता हूँ और अपनी अभिव्यक्ति में राजधानी अपनी अभिव्यक्ति नव भारत निर्माण में युवाओं की भूमिका पर व्यक्त करना चाहता हूँ। जब हम चर्चा करते हैं युवाओं की, पूरी दुनिया का ध्यान कहीं जाता है घूम फिर तो भारत पर आता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया बड़े ही उत्साह के साथ बड़ी उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है कि भारत की 60% से ज्यादा आबादी आज युवा है। और भारत का युवा सिर्फ युवा नहीं है जिसमें दुनिया को बदलने की क्षमता है। क्योंकि कहा जाता है कि युवा का मतलब क्या है, हम युवा के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें जानना होगा कि युवा होता क्या है। जिस प्रकार ये भवन बिना नींव के टिक नहीं सकता, उसी तरह कोई राष्ट्र बिना युवा के आगे चल नहीं सकता। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो युवा को पहचानना होगा। लेकिन आखिरकार वो युवा होता कौन है? क्या युवा होना किसी उम्र का क्राइटेरिया है? क्या युवा होना छोटा है बड़ा है? मुझे लगता है कि नहीं। युवा वो होता है जिसके अंदर जोश, उत्साह, कुछ कर गुजरने का जज्बा, जुनून और आत्मविश्वास, वो युवा है। एक राजनीतिक संदर्भ से मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं कि देश की 100 साल पुरानी पार्टी जिसने इस देश के अंदर 65 से ज्यादा सालों तक राज किया है, उसका एक अध्यक्ष आ रहे हैं, उपाध्यक्ष है राष्ट्रपति, और जब वो देश को चलाते हैं, उनकी पार्टी को चलाते हैं, तो उनके निर्णय देखिए क्या जो पार्टी जिसने 65 साल भूल किया है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, जो युवा के लिए। जब हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री 70 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन 70 साल की उम्र होने के बावजूद 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे देश के लिए काम करते हैं ताकि भारत अपने परम वैभव पर पहुंच पाए, भारत फिर से विश्व गुरु बन पाए, अपनी खोज में प्रतिष्ठा को जुटा पाए, और इसलिए वो लगे हुए। तो इसे कहते हैं युवा। युवा मतलब जिसमें मन की गति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं युवा का वायु का उल्टा युवा होता है, अर्थात वायु के वेग को कोई रोक नहीं सकता है, वायु के वेग को कोई काट नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार युवा के लिए कोई संकल्प को कोई काट नहीं सकता है, कोई उसे संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने से रोक नहीं सकता है। कौन कहता है आसमां में, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तभी सुचाल हो जाता। जब इस देश का युवा 1893 में बंगाल के एक मठ से निकलकर अमेरिका शिकागो की धरती पर जाता है और पूरी दुनिया को तरह तरह से बताता है कि भारत की संस्कृति क्या है।